हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुमताज़ किचन। तोंडली, तेंडली या कुंदरी, आप इसे चाहे जिस नाम से जानते हो, परंतु यह ज़रूर जानते होंगे कि यह खाना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए आज देखते हैं कुंदरू, तेंडली या तोंडली की ड्राई मसाले वाली सब्ज़ी, वह भी बिना प्याज और लहसुन के। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम तेंडली, जिसे अच्छी तरह से धोकर पोंछकर उसका ऊपर और नीचे का सिरा काटकर हमने इसे चार टुकड़ों में लंबा लंबा काट लिया है। इस बात का ध्यान रखें कि यह पकी हुई यानी अंदर से लाल नहीं होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें, उसमें डालें एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग और हमने काट कर रखी हुई तेंडली। इसे डालकर धीमी आंच पर सौते करें। उसके पश्चात इसे ढककर धीमी आंच पर ही पकने के लिए छोड़ दें। तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून बेसन लें, उसमें डालें 2 टीस्पून तेल और इसे धीमी आंच पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें और फिर उसके पश्चात ठंडा होने के लिए रख दें। अब तक हमारी तेंडली काफ़ी हद तक पक चुकी होंगी, उसे चेक कर लें। अब हमें इसमें सारे मसाले डालने हैं। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। यह सब डालकर अच्छी तरह से मिला लें ताकि सारे मसाले तेंडली को अच्छी तरह से लग जाए। फिर डालें 1 टमाटर एकदम बारीक कटा हुआ, इसे भी मिक्स कर लें और अब इसे पुनः ढककर धीमी आंच पर पकने दें। अब तक हमारा भुना हुआ बेसन ठंडा हो चुका होगा, उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालें। साथ में डालें 1 मुट्ठी भुने हुई मूंगफली के दाने, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे डालकर हमें दरदरा पीस लेना है। सूखी लाल मिर्च ना हो तो आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रहा पीसा हुआ मसाला। अब तक हमारी तेंडली अच्छी तरह से पक चुकी होंगी, उसे चेक कर लें और इसमें डालें हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला। मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें, जिससे कि सारा मसाला तेंडली को अच्छी तरह से कोट कर लें। अब इसे ढककर पुनः एक भाप आने तक पकाएं और आप देखेंगे आपकी मसाले वाली तेंडली तैयार है, बिना प्याज लहसुन की बहुत ही स्वादिष्ट तेंडली की सब्ज़ी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी के साथ या दाल चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।